ये हम जी सुर पहुंच गए और मज़े की बात ये जिनको मैं दिखा रहा हूँ, ये इनका नाम है आतिफ अमीन चौधरी। आतिफ अमीन साइकिल स्टोर के नाम से इनका ऑनलाइन स्टोर है। ये लोगों का सामान हमेशा अच्छा बांधते हैं और अपना सामान हमेशा गलत बांधते हैं। आगे भगाई जा रहे हैं मेरे, मैं पीछे से हॉर्न मारी जा रहा हूँ और ये दोनों म्यूज़िक के बगैर नहीं ना ये गाड़ी चला सकते। अच्छा आज आपसे ना हमने वो तृशिंग ना बैठ के गाना सुना है उसका रिकॉर्ड। तो खाना खाने लगे और ये देखे जी खाना आ गया हमारा। ये हमने कढ़ाई ये लाए हैं और मैं अब धोऊंगा अपने हाथ, बहुत गंदे हैं, बहुत मिट्टी थी रास्ते में। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? क्या हाल है जनाब? तबीयत ठीक है जी आपकी? तरशिंग कितनी दूर है? बस घंटा लगेगा। अच्छा, एक घंटा लगेगा। इससे उस तरफ जाना होता है, आगे परली साइड पे। हाँ ठीक हो गया। इस साइड पे जा तो बस डायरेक्ट तरशिंग होगा। बहुत शुक्रिया आपका जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। लो जी, इधर को जाना है हमें, परली साइड।
किधर को जाना है? तुम क्या कहते हो? इधर को बाट साहब ने कहा है जी हम इधर को जाना है, माने ने कहा उधर को जाना है, अब ट्रॉली आ रही है, देखते हैं क्या बनता है। वाह दो यहीं से वो बहुत तेज आ रहा है, इसको वाप देकर पीछे फटाफट कर छीन किधर को जाना है। तरसिंग जाना है, तरसिंग इधर ही जाना है। जज़ाकअल्लाह जी, मेहरबानी। आ रहे हैं हम भी। हाँ जी, तो हम जी पहुँच गए तरसिंग। ये अभी तो हम तकरीबन 5:30 तक पहुँच गए थे यहाँ पे, सामने आपको ना इस जगह पे ऊपर नंगा पर्वत है वो मैंने हमने भी देखा। इतना ही खूबसूरत रास्ता, मुश्किल रास्ता, हार्ड रास्ता था, ऑफ रोड भी है, टूटा फूटा रास्ता है। फिर टाइम टाइम आ गए, ऑल दो लेट निकले थे काफ़ी। तो अब हमने आके यहाँ पे जनाब चेक इन किया इस होटल में। होटल का नाम है जी ब्राइट माउंटेन होटल एंड गेस्ट हाउस तरसिंग। ये ठीक है जी। तो बाकी ये इसकी एंट्रेंस है, किचन है, ये कमरे हैं। और ये ऊपर एक इन्होंने कोई बुल सा स्टफ किया हुआ है। वाह वेरी गुड। और आ ही गई बेचारी, ये भी बहुत ज़ोर लगाया इसका बेचारी का भी आज ही। सर्दी का शाख सहना, मिलन सो भी मिलन खराया, आसा ही भुलाई, मिलन सूख ने आग लगाई। हम बंदे नहीं है तीन, बस ये आखिरी बाउंड्री है हमारी। हाँ बस यहाँ से हमने वापस हो जाना। चलो जी गए टिंग टिंग टिंग। ये किधर फिर रहे हैं बाट साहब? सिंह के अंदर फिर रहे हैं जी, रात के 10:30-11 का टाइम है। और आप देख सकते हैं कि सवाए हम तीनों के इस वक्त यकीन कर लें कोई बंदा ना बंदे की जात है। हम तीनों ही फिर रहे हैं। कभी मैं आपको ये बता दूं कि आसमान का जो नज़ारा है ना जी, वो इस टाइम हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतने जदीद गैजेट्स नहीं हैं। इस टाइम इतने सितारे हैं आसमान के ऊपर, स्पीचलेस सितारे, और बहुत खूबसूरत मंजर वो पेश आ रहे हैं। सांस भी चढ़ गया है, थोड़ी चढ़ाई चढ़ के आए हैं तो सांस भी चढ़ गया। बस हाँ जी, आतिफ अमीन चौधरी जाना है।
ये जी मेरा कमरा, और ये देखें ये आतिफ अमीन चौधरी, ये नदीम भट्ट साहब, और ये हमारे कमरे की खिड़की है। इस खिड़की से सामने हमें नांगा पर्वत का फुल व्यू आता है। सुबह दिखाएंगे आपको। ये देखें ये हमारा वॉशरूम है, इसके अंदर अच्छी जगह। ये जूतियाँ हैं, और ये हिसाब का हो रहा था नीचे बिल के ऊपर, और पैसों का रौला बनने लगा। तो जी अब तक के लिए फिलहाल यही है, कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। अगर बीच में कोई चीज़ आ गई तो फिर दोबारा हम ऑन कर लेंगे, अदरवाइज़ अब तक के लिए यही है। अल्लाह हाफिज़ जी, अच्छा सफ़र आपके साथ, बड़ा अच्छा रहा। आप प्लीज़ ज़रूर देगा हमारे साथ आपका सफ़र कैसा रहा, अच्छा रहा कि बोरिंग रहा, तो ये प्लीज़ आपने कमेंट लाजमी करना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ कर दो जी। अल्लाह हाफिज़ कर दो। अल्लाह हाफिज़ यार।